नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पूरे देश में लग रहा है कि क्रिकेट प्रेमियों का कुछ खो गया है और सभी क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे उड़े हुए हैं और दिल दुखी है, क्योंकि भारत को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने 18 रन से हरा दिया। भारत पर सेमीफाइनल में मिली शानदार जीत से उत्साहित न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर ने कहा कि हमारी टीम इस बार विश्व कप फाइनल जीतने के लिए तैयार है। टेलर ने आईसीसी की वेबसाइट पर कहा कि हमें पता है कि इस बार चुनौती क्या है और दबाव कैसा रहेगा और उसका सामना कैसे करना है। हम लॉर्ड्स पर फाइनल का पूरा मजा लेंगे और विरोधी को हराकर ट्रॉफी अपने घर ले जाएंगे। सामने चाहे इंग्लैंड हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, हम मैच का पूरा मजा लेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। वहीं भारत को हराने के बाद रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि मैं रात में 3 बजे उठ गया और मुझे समझ नहीं आया कि कैसे बल्लेबाजी करूंगा। ये अजीब था, टेस्ट मैच की तरह लग रहा था। पिछली रात नॉट आउट रहने के बाद अगले दिन फिर बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन मैंने और केन ने 240 रन की बात की थी। हमें लगा कि वो अच्छा स्कोर है। कई लोगों ने हम पर भरोसा नहीं किया, लेकिन विकेट बहुत ही धीमा था और रिजल्ट हमारे पक्ष में रहा। शुरुआती ओवरों में भारतीय ओपनर के आउट होने पर पूरी भारतीय टीम दबाव में आ गई और हमारे तेज गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर हावी होने लगे। तब हमें लगा कि हमारी रणनीति कामयाब है और हम मैच जीत जाएंगे और रिजल्ट भी हमारे ही पक्ष में रहा। अब हम फाइनल जीतने का सपना पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 239 रन बनाए थे और भारत को लक्ष्य मिला था 240 रनों का, लेकिन भारत सिर्फ 221 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। इस तरह न्यूजीलैंड ये मैच 18 रन से जीतकर फाइनल में पहुंच गया और भारत का सपना टूट गया।